नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट, 3 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। खाड़ी में तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ का बयान। दिल्ली में हो रहे 5वें रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी संबोधन। कहा, आतंकवाद से सख्ती से निपट रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का रूस ने किया समर्थन। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे छद्म युद्ध में आई कमी। सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग और धैर्य को किया नमन। देश में रोजगार के समाधान का राजमार्ग बनेगा स्किल इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की रखी आधारशिला। कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ $2 ट्रिलियन तक सीमित रखा। 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को करेगा हासिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर ढेर। कई आतंकी वारदातों में था शामिल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साल 2020 के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी, जो कि 3 अप्रैल तक चलेगा। इसका पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा और दूसरा भाग 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इस सत्र में कुल 31 बैठकें होंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के बजट सत्र की तारीखों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। साल 2020 के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और जो 3 अप्रैल तक चलेगा। इसका जो पहला भाग है, चूंकि बजट सत्र 2 भागों में है, पहला भाग जो है वो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। पंचानंद हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं सीधे। पंचानंद, बजट सत्र की तारीखों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, तफसील से पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बजट सत्र जो संसद का है उसके औपचारिक ऐलान कर दिया गया है जी। पिछले हफ्ते ही बैठक हुई थी CCPA की, जिसपे की तारीखों पर फैसला किया गया, लेकिन उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान किया गया है जी। और अब जो बजट है वो बजट 1 फरवरी को पेश होगा और 31 तारीख को, 31 जनवरी से संसद के सत्र की शुरुआत हो रही है। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति जो पहली जो संयुक्त बैठक होती है उसकी संसद के सेंट्रल हॉल में अध्यक्षता करते हैं। उनका जो अभिभाषण है वो वहां पर होता है और ये क्योंकि सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण पढ़ते हैं कि सरकार की क्या नीतियां होने वाली हैं, उसको वो उस पूरा अभिभाषण पे चर्चा होती है और उससे साफ होता है कि आने वाले समय में सरकार किन किन नीतियों को लेकर आ रही है, क्या वो कार्यक्रम चलाएगी। तो ये जो शुरुआत होगी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और ये माना जा रहा है कि उसी दिन, क्योंकि बजट सत्र है तो उसके उसी दिन ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश हो सकता है। ये वो आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसा जो दस्तावेज है जिस पर सबकी नजर रहती है, देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज होती है, इसलिए उसको पेश किया जाता है और उसका जो दिन है वो उसी दिन निश्चित किया गया है। और अगले दिन शनिवार का है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पहले ही तय हो चुका है 1 फरवरी को
आम बजट वो पेश होगा जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उम्मीद है कि ये बजट पेश करेंगी और उसके बाद ये जो पहला भाग है, क्योंकि दो भागों में है, पहला भाग जो 31 जनवरी से शुरू हो रहा है वो 11 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद जो दूसरा भाग है वो मार्च से लेकर 2 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक, वो उसको अभी तय किया गया है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जो सत्र है बजट का वो होता है और सबकी निगाहें बजट सत्र पर होती हैं और इसके साथ साथ सरकार के पास कई अहम बिल भी होते हैं जिसको पारित कराने के लिए। और एक अभी हाल में ही सरकार ने अध्यादेश जारी किया है वो माइनिंग को लेकर, यानी कोयले की खुदाई को लेकर, वो एक महत्वपूर्ण एक ऑर्डिनेंस आया है, उसको भी बिल में तब्दील करने की कोशिश सरकार की होगी क्योंकि 31 मार्च उसकी एक समय सीमा है उसको पारित कराने की। तो कुल मिलाकर एक बिल के रूप में भी, और विपक्ष का अगर विपक्ष के लहजे से अगर बात करें, उनके नजरिए से, तो CAA का जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, उसका भी कहीं ना कहीं विपक्ष संसद में उठाने की कोशिश करेगा और सरकार से जवाब की भी कोशिश होगी। बिल्कुल पंचानंद, बहुत शुक्रिया। कई मायनों से और कई लिहाज से अहम होगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा और कई मायनों में ये जो बजट है वो अहम रहने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इस सत्र की जो कुल बैठकें हैं वो 31 बैठकें इस सत्र के दौरान होंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में 5वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की हिमायत की। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि मध्य पूर्व में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान के सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब ने विकास कार्यों में भागीदारी के लिए भारत के प्रति अपना आभार जताया। 5वें रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत को इस समूह का हिस्सा होना ही चाहिए। Only deficiency of the Security Council is underrepresentation of the developing countries. And we repeatedly reiterated our position that India and Brazil absolutely deserve to be on the council together with an African candidate, and our position is that the purpose of the reform is to make sure that the developing countries have a better treatment in the central organ of the United Nations. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम आतंकवाद से सख्ती से निपट रहे हैं। एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के लिए संबंधों में संतुलन अहम है, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश दुनिया में स्थायित्व कायम करने की है। The India-China relationship, I think, has a very unique characteristic, which is that very rarely in history have two powers who are neighbors actually gone up in the international order in approximately the same time frame. So each one of the countries is sort of reaching a new equilibrium with the world, but also with each other at the same time. It's to my mind absolutely necessary that the two countries find an equilibrium and find accommodation and understanding on the key issues which affect each other. ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि भारत खाड़ी क्षेत्र में तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन उनका ये भी आरोप था कि ईरान को यूरोप की तरफ से भी निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिका को सिर्फ अपने चश्मे से देखना बंद करना होगा। In Iraq, violating Iraqi sovereignty, they thought, as Secretary Pompeo tweeted, that people would be dancing in the streets of Tehran and Baghdad. Now you've seen the reaction, not just in Iran. There were spontaneous demonstrations and meetings to commemorate General Soleimani. You cannot bring 9 million people to the streets with force. So the United States needs to think again about our region. They're making mistake.
रायसीना डायलॉग को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने भी संबोधित किया। भू राजनीति और भू अर्थनीति पर भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद मंगलवार से दिल्ली में हो रहा है। रायसीना डायलॉग में 105 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। शांति के प्रयास, जलवायु परिवर्तन और डिजिटाइजेशन की तरफ से आने वाली चुनौतियाँ, ये तीन अहम मसले हैं जिन पर रायसीना डायलॉग में तरह तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबका ध्यान भारत की तरफ केंद्रित है। अब देखना यह है कि भारत किस तरह से इन इच्छाओं और इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, खासतौर पर तब जब पूरी दुनिया एक बदलाव के दौर में है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज सेना दिवस के मौके पर कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना ऐतिहासिक कदम रहा और इससे पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे प्रॉक्सी वार और आतंकवाद से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सेना सतर्क है और आतंक का जवाब देने के लिए किसी भी विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। बहत्तरवें सेना दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में भारतीय सेना का शौर्य दिखा। सेना ने दिखाया कि वो क्यों उच्च स्तर की प्रोफेशनल फोर्स कही जाती है और उसकी तैयारी क्या है। इस दौरान सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सैनिक भले ही मुश्किल इलाकों में तैनात हों, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिल में रहते हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झटका लगा है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वीरगति पाने वालों और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करने वालों को सेना मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियार और युद्धक साजो सामान से लैस करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस साल भी कुछ ऐसे वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट जो उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें AK-203 राइफल्स, शारंग गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स शामिल है। आप निश्चित रहें कि सरकार आपकी जंगी जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में हुई सेना दिवस परेड का नेतृत्व कैप्टन तानिया शेर गिल ने किया। परेड संचालन करने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है तब से पाकिस्तान का जो परोक्ष युद्ध है वो कमज़ोर पड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो निर्णायक दौर में है। और इसके साथ ही सेना ने आश्वस्त किया है कि भारत की जो सुरक्षा है वो अक्षुण रहेगी। दिल्ली में जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की नींव रखी। इस दौरान उनके साथ गुजरात के CM विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने गांधीनगर के जिले के नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी।
समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं के कौशल का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, तभी मोदी सरकार बनने के बाद कौशल विकास का अलग से विभाग बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। देश में परिवर्तन हुआ, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग विभाग बनाकर, एक नया विभाग की रचना करकर भारत सरकार में इसको द्रुत गति से स्पीड के साथ आगे ले जाने की शुरुआत की। स्किल इंडिया का कार्यक्रम आने वाले दिनों के अंदर देश की रोजगारी का समाधान का एक राजमार्ग बनने वाला है जो नरेंद्र मोदी ने। ये रास्ता ही हमें युवा को रोजगार की दिशा में आगे ले जाएगा। 70 साल की आजादी के बाद के 70 साल तक इस देश की इकोनॉमी को अब $2 trillion तक ले गए, $2 trillion की इकोनॉमी बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने $2 trillion की इकोनॉमी को एक 5 साल के अंदर $3 trillion की बनाने का काम, एक और 70 साल में $2 trillion की इंडस्ट्री बनी, हमारी इकोनॉमी बनी और एक 5 साल के अंदर इसके अंदर 50% का इजाफा कर $3 trillion की इकोनॉमी बनी। और आज मैं फिर से एक बार इतने सारे युवाओं के बीच में इस मंच से कहना चाहता हूं कि 2024 में हम $5 trillion की इकोनॉमी बनकर देश दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र के बीच में। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन की लखनऊ में तैयारियां पूरी हो गई हैं। 16 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। जनप्रतिनिधियों की भूमिका की केंद्रीय थीम पर अगले 3 दिनों तक संसदीय दिग्गज सम्मेलन में मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अधिकतर विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि स्वागत भाषण उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे। सम्मेलन में भारत के विधायी निकायों के प्रमुखों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को इस प्रकार का अवसर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक का अवसर पहली बार मिला है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए हैं, उत्तर सती समारोह भी हुआ है, पहले भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का यह आयोजन उत्तर प्रदेश विधानसभा को सौंपा गया है। मैं इसके लिए इंडिया रीजन के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन के अध्यक्ष और भारत की लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी के प्रति अनुग्रहित भी हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को यह अवसर दिया। सम्मेलन में मुख्य चर्चा का विषय जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहेगी। इस कड़ी में 2 पूर्ण सत्रों में पीठासीन अधिकारी 2 अहम विषयों पर मंथन करेंगे। समापन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सम्मेलन में अपना विचार रखेंगी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स, जिसे अपनी भाषा में कहेंगे जनप्रतिनिधियों की भूमिका, ये थीम है इस सम्मेलन की। ये हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनकी भूमिका को और विस्तृत करना और लोकोपयोगी बनाना और प्रभावी बनाना, यह इसकी थीम है सम्मेलन की। CPA की 52 देशों में 180 शाखाएं हैं, जिनको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है।
पूरे सीपीए में उत्तर प्रदेश विधानमंडल 504 सदस्यों वाला सबसे बड़ा विधायी निकाय है। कैमरामैन नीलेश पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर को मार गिराया। हारून हफास नाम के आतंकी सरगना की सेना को काफी दिनों से तलाश थी। उधर घाटी की इस साल की दूसरी मुठभेड़ में सोमवार को सुरक्षा बलों ने बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किया गया था। इस साल अब तक इस संगठन के 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में बहुत खूंखार तरह का आतंकी जो है वो मारा गया है। हारून अब्बास जो घाट डोडा का रहने वाला था, हारून अब्बास ऐसा टेररिस्ट था जो उसामा के साथ मिलकर के जो पूरा चनाब वैली का खित्ता जिसमें डोडा, किश्तवाड़, बटोट, रामबन, ये सारी बेल्ट आती, इसमें मिल्टनसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल जम्मू डीएसपी देवेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह को वीरता पदक से पुरस्कृत करने की खबर गलत है। देवेंद्र सिंह को गृह मंत्रालय से कोई बहादुरी पदक नहीं दिया गया था। पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वज़ था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। निर्भया के दोषी मुकेश की डेथ वारंट पर रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत में याचिका दाखिल करने के पीछे कहीं मामले को लंबा खींचना तो नहीं है। इससे पहले दोषी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलती नहीं है, अगर दोषी चाहे तो वो सत्र न्यायालय में याचिका डाल सकता है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दोषियों के पास कई दया याचिका के विकल्प के चलते 22 जनवरी को फांसी संभव नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का समय दोषियों को दिया जाता है, इसलिए मुकेश की ये याचिका प्रीमेच्योर है। मेहरा ने कहा कि जब राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर देंगे तभी फांसी का रास्ता साफ हो सकेगा। निर्भया के माता पिता की याचिका पर 7 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम फैसले में डेथ वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ ही एक दोषी मुकेश ने याचिका दी थी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से मानवता के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के विनाश ने मानव समाज को संकट में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब एक तिहाई महासागरों और भूमि पर जैव विविधता रोकने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी पर छठे बड़े विलुप्ति को रोकने के लिए 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा जैविक विविधता का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे साल अक्टूबर में चीनी शहर कुनमिंग में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सकता है। 20 सूत्रीय मसौदा योजना के तहत प्लास्टिक कचरे और अतिरिक्त पोषक तत्वों से प्रदूषण को 50% तक कम किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।